महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। आउते चक्रवात, समुद्र में डूबे जहाज मामले की होगी जांच, सरकार ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 34,031 नए केस, 594 मरीजों की हुई मौत। प्रधानमंत्री लेंगे जिला वर्धा के कोरोना की स्थिति का जायजा, तैयारी में जुटा प्रशासन। थमा कोरोना का कहर, मुंबई में बीते 24 घंटों में 1,350 मामले, 57 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एंट्री के समय आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाना जरूरी, यात्रियों को 48 घंटे के अंदर ही करानी होगी जांच। नहीं रहे कोरोना संक्रमित एनएसजी के पूर्व चीफ जेके दत्त, मुंबई आतंकी हमले के दौरान संभाला था ऑपरेशन। इंग्लैंड जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का पहला बैच मुंबई पहुंचा। तौकते के बाद तबाही मचाने पहुंचा चक्रवात यास, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सेलिब्रिटी और नेताओं को कोविड-19 रोधी दवाएं कैसे मिल रही हैं, अदालत ने पूछा ये सवाल। मुंबई में स्लम छोड़ने को तैयार नहीं है कोरोना, 75% इमारतें हुई कोरोना मुक्त। औरंगाबाद में ब्लैक फंगस से 40 दिनों में 16 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बाद गहरा म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस का संकट, राज्य में अब तक 90 लोगों की मौत।